हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मक्का की उन्नत खेती। डिटेल में ए टू जेड संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे कि कैसे कॉर्न की खेती की जाती है, मक्का की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कितनी दूरी पर बुआई करें, कैसे बुआई करें और उन्नतशील किस्में, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में और साथ ही दोस्तों एक एकड़ में कितनी बुआई करनी पड़ेगी, कुछ बीमारी आती हैं, फॉल आरिंग बर्म सुंडी इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जो कि हमारी मक्के की फसल को काफ़ी ज़्यादा चौपट कर देती है, तो कैसे हम रोग बीमारी से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खेती कब और कैसे करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से लागत लाभ मुनाफा नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो मक्के को तीनों सीजन पर आप खेती कर सकते हैं, रबी खरीफ और जायद पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मक्के की खेती जो होती है वो होती है खरीफ सीजन पर। खरीफ सीजन के लिए जून से जुलाई, रबी सीजन के लिए अक्टूबर से नवंबर और जायद सीजन के लिए फरवरी से मार्च के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो मक्के की खेती सभी प्रकार की भूमि पर स्वर पर खेती कर सकते हैं, चाहो काली मिट्टी हो, काली दोमट हो, चिकनी दोमट, बलुई दोमट, सभी प्रकार की सोयल काफ़ी अनुकूल हैं। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि होनी चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है। खेत की तैयारी में नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर तोताल से प्लॉविंग कराना चाहिए, उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो रोटावेटर से मिट्टी को कुछ इस प्रकार भुरभुरी करा लेना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तापमान और जलवायु। तो मक्का की जो क्रॉप है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है, जो कि एक अनाज वर्गीय फसल है। भारत में अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर जो ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का की खेती सफलतापूर्वक उगाई जाती है। मनुष्य के साथ साथ पशुओं का भी आहार माना जाता है मक्के को। तापमान की ऊपर बात करें तो 18 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है इसके लिए औसत टेम्परेचर माना जाता है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में सभी राज्यों पर आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं, सभी प्रकार की भूमि पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। नंबर एक सिंजेंटा कंपनी की NK30+ आती है, इसके अलावा पायोनियर की P3302 है, डेकाल्ब की 9165 के नाम से आती है, पायोनियर की P3501, पायोनियर की P3401 और डेकाल्ब की 9108 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं अर्ली या फिर लेट सोइंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक एकड़ में इन किस्मों की आप बुआई कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम अधिकतम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं और एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। बुआई के समय खाद के ऊपर बात करें यानी बेसल डोज प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यदि भूमि कम उपजाऊ है, हल्की भूमि है तो इन खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसी कंडीशन पर आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद, SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP 30 किलो और यदि दीमक की समस्या है तो फिप्रोनिल 0.3% GR, दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को पूरे खेत में बिखेर करके आपको बुआई करनी चाहिए। सोइंग डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच और पौधे से पौधे यानी सीड से सीड्स की दूरी 10 इंच रखनी चाहिए। कुछ इस प्रकार सीडल मेथड से आप बुआई करा सकते हैं। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो इरीगेशन है जायद पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। खरीफ सीजन पर यदि बरसात ना हो रही हो तो फिर स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर सकते हैं, बाकी सर्दियों पर भी 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। तो डिपेंड करता वैसे भी जायद की प्रमुख फसल है, यदि बरसात ना हो रही हो तो सिंचाई करें,
और गर्मियों के दिनों पर आवश्यकतानुसार भूमि के हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो वैसे तो सबसे बेस्ट है निराई गुड़ाई करें, लेकिन फिर भी मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो बायर कंपनी की लॉर्डेस खरपतवार नाशक आती है। जब हमारी मक्के की फसल में 3 से 4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों या फिर 25 से लेकर 30 दिन के आसपास की मक्के की फसल बुआई से हुई हो, तब 100 से 120 ml आपको 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना चाहिए। इससे खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। यदि खरपतवार नहीं है तो हल्की फुल्की निराई गुड़ाई करा के खरपतवार को नष्ट करा देना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य विषय तो है ही, लेकिन मक्के की ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए यदि आप बेड बनाते हैं और एक बेड पर सिंगल लाइन पर 16 mm ड्रिप बिछा दीजिए और एक बेड पर डबल लाइन पर यदि आप मक्के की बुआई करते हैं दोस्तों, तो यकीनन पैदावार लगभग 40 से 50% तक पैदावार बढ़ जाएगी। इस बात का ख्याल रख सकते हैं। तो बेड विधि से ही खेती करने पर जड़ों का अच्छा विकास होता है। हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल के ऊपर, तो कौन कौन सी बीमारी मक्के की फसल पर आती हैं। प्रमुख रूप से फॉल आर्मी वर्म है, DBM है यानी डायमंड बैक मोथ, गुलाबी तना छेदक है, वाइट ग्रब है, पाउडरी मिल्ड्यूड है। और रोगों के ऊपर बात करें तो पत्ती झुलसा जो कि पत्तियों पर लगता है, तना सड़न की समस्या आती है, लीफ स्पॉट और रस्ट जैसी समस्या आ सकती है। लेकिन कोई गंभीर समस्या है तो वो है पीलापन और दूसरा फॉल आर्मी वर्म। अब फॉल आर्मी वर्म की हम डिस्कशन चर्चा बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पौधा जैसे ही अंकुरण होता है तो इसका प्रकोप अटैक शुरू हो जाता है, तो पत्ते पर, तने पर, स्टेम पर, साथ ही फ्रूट्स पर, मक्के पर हमको अटैक देखने के लिए मिलता है और यह 100% हमारी मक्के की फसल को चौपट कर सकती है। तो इसीलिए फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए यदि कीटों का प्रकोप है तो ऐसी कंडीशन पर जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन की फसल होती है मक्के की, तो NPK 1900 ग्राम और साथ ही अदामा इंडी कंपनी की 12 जायड 40 ml लेना है, M45 फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, मक्के के पत्ते चिकने होते हैं, सिलिकॉन चिपको मिलाकर स्प्रे करें। स्टिकर मिलाकर स्प्रे करने से घोल है वो पत्तों पर ठीक तरीके से चिपक जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब 19 19 19 ही क्यों, क्योंकि यह टॉनिक की भांति काम करती है जो कि हमारी मक्के की फसल को काफ़ी ग्रीननेस देगी। अदामा इंडिया कंपनी की 12 जायड एमामेक्टिन और नुवालोरोन का कॉम्बिनेशन है जो कि हल्के फुल्के इल्लियों को, कीटों को कंट्रोल कर लेगी। M45 स्प्रे कर रहे हैं जिसमें मैंगो जेप 75% है, यह एक फंगीसाइड है दोस्तों जो कि फंगस को प्रोटेक्शन देगी। तो फर्स्ट स्प्रे था और जो डोज है, जो क्वांटिटी है 15 लीटर की दर से शेयर कर रहे हैं। जितने भी पंप एक एकड़ में लगेंगे उस हिसाब से आपको आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो फिर ऐसी कंडीशन पर इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है। डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टीसाइड आती है 15 ml, टाटा की ताकत फंगीसाइड 40 ग्राम और साथ ही दोस्तों टाटा की ताकत फंगीसाइड 40 ग्राम, अदामा इंडिया कंपनी की आर्मोरॉक्स टॉनिक आती है 30 ml, तीनों को 15 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। थर्ड स्प्रे यदि 60 से 70 दिन के आसपास की फसल है और इल्ली फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप है तभी तीसरा स्प्रे करना है। जैसे धानुका की लार्गो आती है 18 ml, NPK 0050 100 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। थर्ड स्प्रे आपको तभी करना जब इल्ली का प्रकोप है, और नहीं है तो फिर आवश्यकता अनुसार एक या दो ही स्प्रे मक्के पर करने पड़ते हैं। जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं, सिलिकॉन चिपको मिलाना है, क्या इल्ली का प्रकोप है, क्या कीटों का प्रकोप है मक्के की फसल पर, यदि नहीं है तो फिर महंगी कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की कतई भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखिए। मक्के की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करें तो मक्के की फसल पर केवल एक खाद देने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि वैसे भी बुआई के समय हम न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर रहे हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, तो केवल एक खाद देना है, वो भी 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है। तो ऐसी कंडीशन पर 45 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम सागरिका दानेदार, 4 से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। अब कौन सी जिंक सल्फेट,
33% वाली जिंक सल्फेट, ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी वाला 1 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके जड़ों के पास दीजिए। और ऐसे नहीं, पहले निराई गुड़ाई जरूर करिए, फिर उसके बाद 2 दिन की तेज़ धूप लगाइए, इस कॉम्बिनेशन को दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। इतने बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो पत्ता है काफ़ी ज़्यादा, पत्तों पर चौड़ाई आएगी, लंबाई आएगी और ग्रीननेस भी आएगी, जिससे पौधा अच्छे तरीके से अपनी वनस्पतिक बढ़वार लेगा। जब तक वनस्पतिक बढ़वार अच्छी नहीं होगी, तब तक हमको एक अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिलेगी। जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 एकड़ में 30 क्विंटल से लेकर 50 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। लागत के ऊपर बात करते हैं तो जो लागत है 10,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च लगता है। बाज़ार भाव मंडी रेट की ऊपर बात करें तो 1800 से 1850 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है प्रति क्विंटल की। कीमतें कम और ज़्यादा हो सकती हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यह किस्मों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। कुछ ऐसी किस्में होती हैं या फिर एवरेज 120 दिन के आसपास का समय आप मान लीजिए, 4 महीने का समय लग जाता है तैयार होने के लिए। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काट कर ये मान लीजिए लगभग 80,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि उत्पादन अच्छा होता है तो आमदनी बढ़ेगी। बाज़ार भाव और उत्पादन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आमदनी अच्छी मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया मक्के की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की डिटेल से A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।